नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांजित और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की प्रयास करेंगे कि हमारी भारतीय रेल की जनरल कोच यानी अनारक्षित कोच कितनी सुरक्षित है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इस वीडियो में बताया गया सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये जनरल कोच टेक्निकली कितना सुरक्षित है। बात करूं अगर जनरल क्लास कोच की कॉपलिंग की, तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी ट्रेन पर जनरल कोच को जुड़ने के लिए जिस तरह की कॉपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह की कॉपलिंग उस ट्रेन की दूसरे कोचेस को जुड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो एसी कोच हो या स्लीपर। यानी जनरल कोच की कॉपलिंग उतना ही सुरक्षित होते हैं जितना ही एसी और स्लीपर कोच की कॉपलिंग होते हैं। इनके अलावा जनरल कोच की बाकी की लगभग सारे चीजें भी टेक्निकली एसी और स्लीपर कोचेस की तरह ही होते हैं। जैसे कि व्हील अरेंजमेंट कह लीजिए, ब्रेकिंग सिस्टम कह लीजिए, कोच में बिजली पहुंचाने वाला प्रक्रिया कह लीजिए, या कोच को निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया गया सामग्री कह लीजिए, ये सब बिल्कुल दूसरे कोचेस की तरह यानी एसी और स्लीपर कोचेस की तरह ही होते हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीजों से ये साबित होते है कि जनरल कोच टेक्निकली उतना ही सुरक्षित है जितना ही एसी और स्लीपर कोच है। और दोस्तों, आप लोगों का मन पे एक सवाल जरूर आ सकता है कि पैसेंजर ट्रेन के अलावा जो मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों पर जनरल कोचेस को जो ट्रेन की आगे और पीछे की ओर जुड़ा जाता है, तब क्या ये कोच उतना ही सुरक्षित रहती है जितना ही उन ट्रेन की मिडिल पे लगा कोच होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ज्यादातर ICF की रेक्स वाली ट्रेनों की आगे की तरफ इंजन के बाद एक लगेज कम डिफरेंटली एबल वाली कोच लगा होते हैं। उसके बाद ही आम पैसेंजरों के लिए जनरल कोच होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ICF की रेक्स वाली ट्रेनों की पीछे की ओर भी सबसे पहले एक लगेज कम डिफरेंटली एबल वाली कोच होते हैं, जिस पर ट्रेन की गार्ड को रहने के लिए भी व्यवस्था होते हैं। उसके बाद ही आम पैसेंजरों के लिए जनरल कोच लगा होते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो। इनके अलावा आप लोगों को पता होगा कि LHB की रेक्स वाले ट्रेनों पर भी बिल्कुल पीछे की ओर एक और आगे की ओर एक जनरेटर कम लगेज कोच लगा होते हैं, जहां ट्रेन की गार्ड को रहने के लिए भी व्यवस्था होते हैं। यानी ICF की रेक्स वाली ट्रेन हो या LHB की रेक्स वाली ट्रेन, दोनों ही ट्रेन पर जनरल कोच को आगे की ओर इंजन को लेकर दो और पीछे की ओर एक कोच के बाद ही जुड़ा जाता है। यानी अगर कभी कोई ट्रेन आके इन ट्रेन को पीछे की ओर या आगे की ओर से टक्कर मारती है या कोई हादसा हो जाती है, तब इन जनरल कोच पर उतनी जल्दी प्रेशर नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि LHB की रेक्स वाली ट्रेन पे जनरेटर कम लगेज कोच और ICF की रेक्स वाली ट्रेन पे लगेज कम डिफरेंटली एबल वाली कोच जनरल कोच को काफी हद तक सेफ कर लेगी। इनके अलावा जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ फुल्ली AC ट्रेनों पर जनरल कोच नहीं होते हैं, जैसे कि राजधानी, शताब्दी, हमसफर आदि। ऐसे ट्रेनों पर सारे के सारे कोच AC होते हैं, जहां ऐसे ट्रेनों पर जनरेटर कम लगेज कोच के बाद जनरल कोचेस की जगह AC कोचेस को जुड़ा जाता है। तो दोस्तों, अगर जनरेटर कोच की बगल वाली कोच उतना सुरक्षित ना होता, तो इस कोच की जगह इन फुली AC ट्रेनों पर AC कोचेस को नहीं जुड़ा जाता। यानी इससे ये साबित होता है जनरल कोच को ट्रेन की आगे और पीछे की ओर जुड़ने के बाद भी उतना ही सुरक्षित होते हैं जितना ही ट्रेन की मिडिल पे लगा कोच होते हैं। इनके अलावा जनरल कोच को एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेनों की आगे और पीछे की ओर जुड़ने का कई सारा कारण होते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जो आप लोग इस वीडियो की आई बटन या डिस्क्रिप्शन पर दिया गया लिंक से भी देख सकते हो। और दोस्तों, जनरल कोच की सेफ्टी की बात करूं और जनरल कोच के अंदर होने वाला भीड़ की बात ना करूं, तो ये कुछ अधूरा सा रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश भारत में ट्रेन की जनरल कोच पर कभी कभी किस तरह की भीड़ होती है, ये तो शायद मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी आप लोगों ने भी जनरल कोच पर यात्रा के दौरान ऐसे भीड़ का सामना जरूर किया होगा। ऐसे भीड़ में यात्रियों का सामान चोरी होना और जेब काटने का चांसेस बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि जनरल कोच पर लोग जनरल टिकट लेकर जब चाहे तब चढ़ सकते हैं और उतर भी सकते हैं, और ज्यादातर बहुत कम दूरी के यात्री इन कोच पर यात्रा करते हैं। इसीलिए जनरल कोच पर हर यात्रियों को अपना सामान बहुत सावधानी से ले जाना पड़ता है। लेकिन फिलहाल इस कोरोना की वजह से जनरल कोच पर दूसरे कोच की तरह रिजर्वेशन सिस्टम चालू करने की वजह से सीट को लेकर उतना दिक्कत नहीं हो रही है, वरना आम तौर पे जनरल कोच पर कभी कभी बैठने के लिए सीट मिलना काफी मुश्किल होती है।
तो दोस्तों मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारी भारतीय रेल की जनरल कोच कितनी सुरक्षित है। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कुछ सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया हो या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों देर किस बात की, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रेलवे से जुड़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।